इन्वेंशन किंग बॉबी ये रियल लाइफ का जियान है। इसके हाथों पे डोरेमोन का ऐसा गैजेट लगा है और ये ऐसे ऐसे चीजों का इन्वेंशन कर रहा है कि किसी को जरूरत ही नहीं है। इसने आर्ट्स कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रखा है, तभी तो बारिश के छाते पे पंखे का जुगाड़ कर रखा है। नहीं, ये छाता लेके मैं बारिश में निकल भी जाऊं तो पहले मैं किससे बचूंगा, बारिश से खुद को बचाऊं या फिर इस पंखे से अपने नाक को बचाऊं? अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब फास्ट एंड फ्यूरियस में भाभी के इन्वेंशन भी दिखाई दे। अभी तक तो फास्ट एंड फ्यूरियस में गाड़ी से ड्रिफ्ट मारते थे, बाइक से ड्रिफ्ट मारते थे, एरोप्लेन से भी ड्रिफ्ट मारते थे, अब बस साइकिल से बाकी है। और ये साइकिल का इन्वेंशन भाभी ने लंगड़े लोगों के लिए इन्वेंट किया है। अगर हम ये लंगड़े को गिफ्ट करने जाए ना तो उल्टा 10 गाली हमें बक के जाएगा कि भोसड़ के मैं तो नेचुरली ठीक था। भाई तू एक काम कर, वो मोर का पंख अपनी गांड में डाल ले, क्योंकि ये इन्वेंशन देखने के बाद मोर ने अपना सारा पंख गिरा चुका है अपनी नजरों से। भाभी वो बच्चा है जिसको सुबह मोटर वाली गाड़ी के साथ छोड़ देना तो शाम तक बस मोटर ही दिखता है। वो बोलते हैं ना कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, पर मैं बोलता हूँ जब बच्चा भाभी जैसा होना तो सही वक्त पे 5-6 रेपटे लगा देना चाहिए। वैसे जब तक वो तिरंगा निकल रहा है तब तक तो 2/15 अगस्त निकल जाएगा। देख भाभी भाई, तू कभी फ्रेश होके ये सोच के तू कर क्या रहा है, तेरा इन्वेंशन किस काम आ रहा है। भाभी का इन्वेंशन देख के शार्क टैंक के जजेस भी भाभी को शो में बुला रहे थे। वो भाभी से ही फंडिंग लेके भाभी का ये सब क्रिएटिविटी बंद करना चाहते है। इसने किसी एक जगह भी खाली नहीं छोड़ा जहाँ इसने मोटर को ना घुसाया, हर जगह ये मोटर घुसा देता। इसके घर के आगे मोटर का शॉप है। वो बंदा साला 25 दिन में करोड़पति बन चुका है, क्योंकि ये इन्वेंशन से इसका प्रॉफिट हो या ना हो, पर वो बंदे का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हर बच्चे का यही सपना होता है कि इतना ही सपोर्ट करने वाला पेरेंट्स चाहिए, इतना बकचोदी ऑनलाइन करने दे। भाभी से ज्यादा तो भाभी के पेरेंट्स डिजर्व करते हैं एक नेशनल अवार्ड, क्योंकि इतना क्रिएटिव बच्चा जो पैदा किया है। होममेड प्रोजेक्ट फॉर ब्लाइंड पर्सन, एक अंधे को दिया था मैंने, उल्टा ही मेरे गांड में डालने के लिए मुझे ही दौड़ा रहा था। डंडे में कार पार्किंग का सेंसर लगा के खुद को साइंटिस्ट समझ रहा है। डंडा अंधे के लिए सेंसर का ही काम करता है, तू उस पे सेंसर लगा के फ्लैक्स मार रहा। इसरो का पता नहीं पर नासा तुझे ढूंढ रहा है। वो बोल रहे कि अपोलो 14 में डाल के नेक्स्ट मून मिशन पे तुझे भेजने की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि कभी वापस मत आना। कपड़े के अलावा सब कुछ वॉश हो गया, बस कपड़ा ही रह गया। और तुम्हें पता है ये होममेड फोर्टेबल वॉशिंग मशीन कितना कपड़ा धोता है? बस एक, वो भी चड्डी। यही है इसके होममेड फोर्टेबल वॉशिंग मशीन का कैपेसिटी। भाई तुझे देख के सच में मेरा गांड जल रहा है, वो फैन मेरे गांड में लगा दे। साला किसके पास इतना कॉन्फिडेंस है जो भाभी के इन्वेंशन पे इतना पैसा डाल रहा है? मुझे लाइफ में बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। भाई वो डंडा अपने गांड में डाल ले, क्या पता वही साफ हो जाए, क्योंकि डस्ट तो साफ होने से रहा। डस्ट का पता नहीं पर गांड में गुदगुदी जरूर लग जाएगी। हर चीज में मोटर फिट करके होममेड ऑटोमेटिक मशीन बोल दो। भाविक ने 5 मिनट्स क्राफ्ट को सीरियसली ले लिया है, ऐसा ही चलता रहा तो ये अपने गांड में भी मोटर फिट कर देगा और बोलेगा ऑटोमेटिक है। गलत जनरेशन पे भाभी का इन्वेंशन हो गया, सही वक्त पे रुक जाना चाहिए था इनके पेरेंट्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ अगर तुम लोग चैनल पर नए हो वो जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जॉनी वो मोटर निकाल, किसी के गांड में डालना है।